हेलो एंड वेलकम टू ई स्कूल क्लासेस। ये वीडियो का पार्ट टू है। होपफुली आपने पार्ट वन देख लिया होगा। नहीं देखा है तो लिंक में जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां मैंने एक लिंक दिया जिसमें पार्ट वन है, वो पहले देखिए। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ होती है और क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेट एग्जाम का पेपर जो होता है उसमें टोटल नेट एग्जाम में तीन पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। तीनों पेपर एक ही दिन में होते हैं, मॉर्निंग 9 AM से इवनिंग 4:30 या 5 PM तक चलते हैं। बीच में आपको ब्रेक दिए जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पेपर ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता। दूसरा, पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी पेपर में, ना पेपर वन में, ना टू में, ना थ्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब बात करते हैं इंडिविजुअल कट ऑफ की। पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री तीनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल कट ऑफ है। मैं जनरल बात कर रहा हूं, कैटेगरी वाइज नहीं जा रहा, आपको भी यही फॉलो करना है। पेपर वन 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 40% मार्क्स यानी 40 मार्क्स लाने जरूरी है। पेपर टू भी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 40% मार्क्स यानी 40 मार्क्स लाने कंपलसरी है, जरूरी है। पेपर थ्री 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 50% मार्क्स लाने यानी 75 मार्क्स लाने जरूरी है। ये तो होगी इंडिविजुअल कट ऑफ की बात। अब बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ की। तीनों पेपर जब कंप्लीट हो जाएंगे, चेक हो जाएंगे, उसके बाद आपने इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर कर ली है, फिर तीनों के मार्क्स ऐड किए जाएंगे और ओवरऑल कट ऑफ बनाए जाते हैं। ओवरऑल कट ऑफ डिपेंड करती है सब्जेक्ट वाइज। हर सब्जेक्ट की 84 टोटल सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग अलग कट ऑफ होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं कि आपको कहां तक जाना है, जहां आपका सेफ पॉइंट है, ओके, वो मैं आपको बता देता हूं। इंडिविजुअल कट ऑफ तो आपने क्लियर करनी करनी है, ठीक है। अब ओवरऑल कट ऑफ पे आते हैं। इसमें दो चीजें हैं। पहला है कि आपने अप्लाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दूसरा है कि आपने अप्लाई किया है JRF के लिए। JRF की कट ऑफ जो है वो हाई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ जो है लो है। अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने JRF की भी क्वालिफाई कर ली हो। सपोज मान लीजिए 100 बच्चे ऑल इंडिया नेट का एग्जाम भरते हैं, तो जिसमें से सिर्फ 15% यानी 15 बच्चे क्वालिफाई करते हैं टोटल, असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF मिला के टोटल 15% बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जिसमें से टॉप के जो बच्चे होते हैं 7-8 वो जाएंगे JRF के लिए, बाकी सब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जितने भी टोटल बच्चे देंगे नेट एग्जाम 15% क्वालिफाई करते हैं। ये तो हो गया ग्रेड, कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं। अब कट ऑफ क्या जाती है। कट ऑफ आप एक आइडिया लेके चले, मैं आपको बताता हूं, हर साल ऊपर नीचे होती है, लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर रहे हैं, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट, आप 65% लेके चले। ओवरऑल की बात कर रहा हूं, ओवरऑल यानी पहला 100 मार्क्स का, दूसरा 100 मार्क्स का, तीसरा 150, टोटल मार्क्स कितने होंगे 350 में से आपको 65% लाने ही लाने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये ऊपर नीचे हो जाता है, कभी 60 भी जाती है, कभी 58 भी जाती है, लेकिन 65 आपको टारगेट लेके चल रहे हैं। और अगर आप JRF के लिए भर रहे हैं तो 70% आपको टारगेट लेके चल रहे हैं। इससे नीचे मत सोचे, इससे नीचे सोचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पेपर आसान है तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, पेपर टफ आ जाता है मान लीजिए तो अपने आप कट ऑफ नीचे आ जाएगी। आपने अच्छी तैयारी करी है, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, टफ है, कम क्वेश्चन करें, तो बाकी सबने भी वैसे ही किया होगा, ये मानने आप। तो JRF के लिए 70 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 65 दिमाग में सेट करके ही चले, इतने की तैयारी करनी है। अब कैसे लाने ये डिस्कस करते हैं। पेपर वन की बात करते हैं। पेपर वन जो है वो 100 मार्क्स का है, टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और पेपर वन जो है वो सबके लिए कॉमन है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई से भी ट्रेड से भरा, मैथ से, फिजिक्स से, कंप्यूटर से, किसी से भरा, पेपर वन सबको सेम मिलेगा। पेपर वन का सिलेबस बता देता हूं आपको। पेपर वन में क्या क्या आता है। पेपर वन में आता है मैथ, मैथ में आते हैं DL, रीजनिंग, थोड़ा बहुत कंप्यूटर, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का एक पूरा पैराग्राफ, जिसे इंग्लिश नहीं करनी उसके लिए हिंदी का पैराग्राफ होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस, इतनी चीजें मिला के पेपर वन बनता है। आपको कोई बुक रिफर नहीं करनी मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, कंप्यूटर के लिए,
अगर बहुत जरूरत पड़े तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कुछ बुक रेफर कर लें, उसके लिए भी मैं एक मेंशन कर दूंगा, एक लिंक बुक बता दूंगा आपको, लेकिन बाकी चीज के लिए कोई बुक रेफर नहीं करनी आपने। आपने बस क्या करना है, लास्ट ईयर के पेपर वन जितने भी है 20-25 पेपर सॉल्व कर लेने, वही ट्रेंड समझिए आप, वही आता है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं। डीआई वैसा ही डीआई होगा, बस उसके जो उसमें जो ग्राफ वगैरह है और जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं, बाकी वैसा ही पेपर आता है। ठीक है, तो पेपर वन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे, लेकिन मैंने अपनी वेबसाइट पे सारे के सारे पेपर वन सीरियल वाइज अपलोड किए हैं। बहुत आसानी होगी अगर आप वहां से उसे डाउनलोड करेंगे, आपको बहुत आसानी होगी। मैंने सारे के सारे अपलोड किए हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप सारे डाउनलोड करें और पेपर वन सॉल्व करना शुरू कर दें। मैंने आपको बताया था कि राइट टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, बिल्कुल देर ना करें, सॉल्व करने लग जाए पेपर वन। अब बात करते हैं पेपर टू और पेपर थ्री की। ये आपके अपने सब्जेक्ट के होंगे, अगर आपने इंग्लिश से भरा है तो इंग्लिश के होंगे, अगर आपने फिजिक्स से भरा है तो फिजिक्स के होंगे, कंप्यूटर से भरा है तो कंप्यूटर के होंगे। पेपर टू और पेपर थ्री में क्या होता है, पेपर टू के क्वेश्चन ना तो टफ होते ना तो इजी होते हैं। 100 मार्क्स का होता है पेपर टू, 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल और सारे के सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई छोड़ना नहीं होता। पेपर थ्री में 75 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 150 नंबर का पूरा पेपर है और 75 पूरे अटेम्प्ट करने आपको, कोई छोड़ना नहीं, सारे कंपल्सरी, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं। पेपर थ्री के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं और थोड़े बहुत मॉडरेट होते हैं, पेपर टू के मॉडरेट होते हैं, ना कि ज्यादा डिफिकल्ट, नहीं ज्यादा इजी। इनके लिए आपको क्या करना है, सारे नेट के लास्ट ईयर के पेपर उठाए और इंजीनियरिंग वाले तो सारे गेट के पेपर भी उठाए। गेट के हर बार 2-3 क्वेश्चन आपको नेट में मिल ही जाएंगे। अगर आपने गेट के लास्ट 4-5 ईयर के पेपर देख लेना उठा के, तो उसमें नेट के पेपर देखें तो 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 16 का पेपर उठा लें आप, ज्यादा दूर ना जाए, उसमें देखें मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग वाले तो सारे नेट गेट के पेपर भी सॉल्व करें, वो भी मेरी वेबसाइट पे लिंक मिल जाएंगे आपको, सारे गेट के पेपर सीएस के। पेपर टू और पेपर थ्री के लिए उठाएं, देखें किस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको नोट कर लें, उन टॉपिक्स को, किन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं उनको फोकस ना करें, जिस फोकस उन पे करें जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जिनसे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं उनको जरूर फोकस करें और उनपे कमांड बनाए, हर सब्जेक्ट की एक अलग नोटबुक बनाए, एक नोटबुक बनाए हर सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की आपके पास एक एक नोटबुक होनी चाहिए, उनको रोज रिवाइज करें, रोज रिवाइज करें हर सब्जेक्ट को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन कर लें सारे उसमें रिवाइज करें, तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। लास्ट के सारे पेपर सॉल्व करें नेट के, हर सब्जेक्ट की अपनी एक एक नोटबुक बना लें, जैसे कंप्यूटर है तो डेटा स्ट्रक्चर की, कंप्यूटर नेटवर्क्स की, सी की, सबकी अपनी अपनी एक पूरी नोटबुक होनी चाहिए, जिसमें इंपॉर्टेंट सब कुछ लिखा होना चाहिए आपके अपने नोट्स में, इंपॉर्टेंट जो है वो अंडरलाइन कर लें। कंप्यूटर के स्पेशली अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहली बात, रिविजन बहुत जरूरी है, हर नोटबुक के रोज रिविजन करें, रोज देखें जिस सब्जेक्ट को भी आप पढ़ रहे हैं उसको शुरू से दोबारा रिवाइज करें। ये करें आपका नेट सितंबर का ही क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं तो दिसंबर का तो 100% क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है, मैंने जैसे प्रिपरेशन करी थी वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, ये बेस्ट तरीका है। सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, पूरा सिलेबस तो करना ही करना है, साथ में लास्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने और जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है, और जो नहीं पूछे जा रहे बिल्कुल नहीं आ रहे उन पे नहीं फोकस करना है। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे आपका जरूर क्लियर हो जाएगा, नेट और गेट सारे रिलेटिव एग्जाम सारे क्लियर हो जाएंगे। तो होपफुली मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप इसे प्लीज लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और नई नई वीडियोज आपके लिए अपलोड करता रहूं। तो कुछ नया ज्ञान जरूर मिला होगा आपको इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग and please do not forget to like and share my video and subscribe my channel.